Hello students, I hope you all are well at your home. Today we are going to read class 6th English grammar chapter 11, lesson number 11, part 1, and the topic is articles. Okay, aaj hum padhenge articles. So students, what is article? Okay, the words a, an, and the are called articles. They are used to point out people or thing. ऐसे words जो कि हमें किसी भी चीज को point out करने के लिए किसी भी people को या फिर किसी भी thing को point out करने में help करते हैं उन्हें हम कहते हैं articles. और in English grammar we have three articles a, an, and the. ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं articles हैं. Okay. So अब हम इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, हमारे जो थ्री काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स हैं उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, फर्स्ट इज इनडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड इज डेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट का मीनिंग होता है जो कि अनिश्चित होता है. ठीक है, अनिश्चित का मतलब है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात नहीं करते. हमें नहीं पता कि वो कौन सा पर्सन है या कौन सा थिंग है. ठीक है, लेकिन डेफिनेट, डेफिनेट में आता है हमारा निश्चित, यानी कि जिसमें हम श्योर हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस पर्सन की या किस थिंग के बारे में बात कर रहे हैं. सो इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं आर्टिकल ए और एन. एंड डेफिनेट में आता है हमारा आर्टिकल द. इनको इनडेफिनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज अ पेन. यह एक पेन है. ठीक है, यह एक पेन है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये पेन किसका है या कौन सा पेन है. तो हम इस पेन के बारे में पहले नहीं जानते थे, तो हमने कहा कि यह एक पेन है. ठीक है, दैट इज अ बुक. ठीक है, यहां पे भी सेम है, यह एक किताब है. तो हम नहीं जानते वो किताब किसकी है या किस चीज की है, किसके बारे में वो किताब है. सो हम यहाँ पे यूज करते हैं ए. ठीक है, बट आर्टिकल द, द हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में डेफिनेट होते हैं. ओके, सो द वाला आर्टिकल हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू रीड इनडेफिनेट आर्टिकल. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि कहां पे हमें आर्टिकल ए, एन और द को यूज करना है. सो इनके यूज के लिए सबसे पहले बेसिक चीजें हमें सीखनी होंगी. मे बी आपने पहले पढ़ा होगा. सो इंग्लिश ग्रामर में ए टू जेड हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं. उन 26 अल्फाबेट्स में से कुछ होते हैं वॉवल्स, जिन्हें हम कहते हैं स्वर, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन. So, स्वर में आते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, और कॉन्सोनेंट में रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स. ये सारे के सारे 21 अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट में आते हैं. तो जिन, जब आप पढ़ेंगे तो जिन वर्ड्स में इनकी साउंड होगी, आप याद रखना स्पेलिंग पे आप बिल्कुल नहीं जाएंगे. कहीं पे अगर ए है तो वो जरूरी नहीं है कि वहां पे एन ही आएगा. आपको उस वर्ड्स की साउंड पे जाना है, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं उसमें जो वॉवल्स हैं वो पूरी तरह से बेस हैं साउंड पे. हमें स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें साउंड पे ध्यान देना है. साउंड पे कैसे ध्यान देना है? ए, तो इसकी साउंड आती है ए. ओके, ये है ई, इसकी साउंड आएगी ई. आई साउंड है आई. ओ, इसकी साउंड है ओ. और यू, यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यू को हम अगर हम पढ़ें तो यू की साउंड आएगी यू, लेकिन अगर यू साउंड आ रही है तो वो वॉवल्स में काउंट नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, बल्कि यू की जगह जब यू की साउंड आ आएगी, ओके, जैसे कि अम्ब्रेला, अर्न, तो हम यू को एज अ वॉवल ट्रीट करेंगे. सो जिन पे भी इंसल्ट की साउंड आएगी उन्हें हम, उनसे आगे हम लगा सकते हैं एन. ओके, सो जिनमें इनकी साउंड आएगी हम यूज करेंगे एन, और जिनमें इनकी साउंड आएगी उनमें हम यूज करेंगे ए. ओके स्टूडेंट,
चलो मैम। सो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। सो जैसे कि हमने पढ़ा वॉवल्स ए ई आई ओ यू, इनकी जो साउंड्स हैं साउंड्स के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे आर्टिकल एन, और जो इनके साउंड्स के अलावा जो साउंड्स हैं उनमें हम लगाएंगे ए। सो हम ये छोटी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसे कि आपको ध्यान से देखना चाहिए। सो फर्स्ट इज एप्पल, ठीक है एप्पल। सो साउंड क्या आई एप्पल, यानी कि ए साउंड है ए, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे एन एप्पल। नेक्स्ट इज ऑरेंज, सो साउंड इज ओ रेंज। सो ऑरेंज ए आई ओ यू में आता है तो हम यहां पे लिखेंगे एन। नेक्स्ट इज वन वे स्ट्रीट, सो साउंड क्या है वन वे, साउंड है व। सो याद करिए क्या व हमारे वॉवल्स में शामिल था, नहीं था। सो यहां पे हम एन नहीं लिखेंगे, हम ए लिखेंगे। ओके नेक्स्ट है एग, तो साउंड क्या है एग यानी कि ए। तो फिर से हम यहां पे लिखेंगे आर्टिकल एन। एंड द नेक्स्ट इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एंड द साउंड इज अ। सो अ जो है हमारे वॉवल्स में शामिल है तो हम यहां पे दोबारा लिखेंगे एन। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी, ठीक है यूनिवर्सिटी, तो साउंड है य। सो देखो य हमारे स्वर में वॉवल्स में शामिल नहीं है, य हमारे कॉन्सोनेंट में है, सो इस वजह से हम यहां पर लिखेंगे ए। ओके समझ रहे हैं ना, सारा का सारा जो गेम है वो है साउंड का, आपको साउंड पे ध्यान देना है और साउंड के अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल्स फिल करना है। नेक्स्ट इज एग, सो एग की जो साउंड है वो भी है ए, सो हम यहां पर लगाएंगे एन। नेक्स्ट इज कैट, कैट कैट की साउंड है क, सो इसमें हम ए लगाएंगे क्योंकि हम वहां पे एन नहीं लगा सकते क्योंकि क जो है कॉन्सोनेंट की साउंड है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन, अब यहां पे आप ध्यान देना जो एच है एच इज साइलेंट, ठीक है एच साइलेंट है, सो यहां पे हम है ऑनेस्ट मैन, तो साउंड है ओ की और ओ है हमारा वॉवल, सो हमने यूज किया एन। नेक्स्ट इज एमएलए एंड एमपी, स्टूडेंट्स रिमेंबर जब कभी भी हम किसी एब्रिवेशन, एब्रिवेशन यानी कि जब हम बड़े शब्दों को छोटा कर देते हैं, जैसे हमारे स्कूल का नाम क्या है ऋषि राम शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लेकिन हम इसे शॉर्टकट में इन एब्रिविएशन हम क्या कहते हैं आर आर एस एस, ठीक है यानी कि ऋषि राम शिक्षण संस्थान। तो जब हम ऐसे एब्रिविएशन हमारे सामने आते हैं तो भी हमें साउंड पे ध्यान देना है। अब देखो यहां पे एम है तो ए ई आई ओ यू में एम कहीं नहीं आता है, बट एम साउंड क्या है एम, तो साउंड ए से है तो इसकी वजह से हम वहां पर लगाएंगे एम। इसमें भी सेम है एमपी, सो एमपी में भी साउंड है एम, तो हम यहां पर लगाएंगे अगेन आर्टिकल एन। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का जो यूज था वो अभी हमने साउंड के अकॉर्डिंग किया, ठीक है कहां पर जिसकी साउंड आ रही है तो वहां पर हमने वॉवल्स का यूज किया। देर आर सर्टेन सम अदर रूल्स, ओके फॉर एग्जाम्पल द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉलो द वर्ड व्हाट और सच। आपने अधिकतर देखा होगा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटी की व्हाट अ ड्रेस, ठीक है तो वहां पे भी जब हम किसी भी काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, जैसे कि एक ड्रेस है या एक कोई भी पर्टिकुलर चीज है तो उसके लिए हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू इंडिकेट वन, ये भी वही है जब हम किसी भी एक व्यक्ति की बात करते हैं या एक पर्सन थिंग की बात करते हैं तो हम आर्टिकल ए या एन यूज करते हैं। इसके अलावा व्हेन वी स्पीक ऑफ अ प्रोफेशन, जब हम किसी प्रोफेशन जैसे कोई लॉयर है डॉक्टर है तब भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं अ लॉयर अ डॉक्टर एन आर्टिस्ट अ साइंटिस्ट। वर्ड्स लाइक डजन क्वार्टर हंड्रेड थाउजेंड few, little and lot are preceded by a, इनके आगे भी साउंड के अकॉर्डिंग हम a या n का यूज करते हैं, ठीक है ओके स्टूडेंट्स। सो यू आर ट्राइंग टू
solve exercise A which is given in your book. आप exercise A को fill करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमें A लिखना है और कहाँ पे N लिखना है. Okay students, thank you and have a nice day.